हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस मैगी सर हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द सोलेनाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनाइड। अब हम परिनालिका और परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो परिनालिका क्या है, तो देखते हैं। परिनालिका ये लौह पटलित रोड के ऊपर कॉपर के तार के असंख्य फेरे लपेट कर बनाई गई कुंडली होती है। ये इस प्रकार से, जिसमें ये असंख्य तार ये लगे हैं जिनमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखिएगा, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और अंदर सर्वत्र समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर, बस यही होता है। यह है लौह पटलित रोड इस पर यह कॉपर के मोटे तारों के असंख्य फेरे लपेट कर बनाई गई एक कुंडली नुमा आकृति। ओके, तो ये परिनालिका एक ऐसा संयंत्र है जिसकी सहायता से हम टेलीविजन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये परिनालिका है जहां इसके, देखिएगा, बाहरी शोरों पर ये कुछ इस तरह की स्थिति होती है। ये परिनालिका है तो यहाँ पर फेरे इस तरीके से लपेटे गए होंगे, तो ये धारा और ये धारा, तो यहाँ पर ऐसे धारा है और यहाँ पर इस प्रकार से धारा है। तो मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जितना होगा उतना ही यहाँ पर होगा, लेकिन ये ऐसे होगा धारा के लंबवत, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र धारा के लंबवत ये होगा। तो बी बाहर अगर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा, बी जितना परिमाण ऊपर है उतना ही परिमाण नीचे है। इसका मतलब बी का मान जो है परिनालिका के बाहर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, परिनालिका एक इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है जिसका उपयोग टेलीविजन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। यह लौह पटलित क्रोड के ऊपर कॉपर के मोटे तारों के असंख्य फेरे लपेट कर बनाई गई एक कुंडली नुमा आकृति होती है, जिसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है तथा कुंडली यानी परिनालिका के अंदर सर्वत्र चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह की आकृति, जैसे बाहर यहाँ पर और यहाँ पर दो सतह हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। इसके लिए दोनों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये है ये दोहरे तार इस तरीके से, एक बाहरी सतह के लिए एक भीतरी सतह के लिए ये दिखाए गए हैं। ये तार हैं जो लपेटे गए, एक ये छोर और एक ये छोर, तो दोनों के लिए दिखाया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। ये ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं। तो अब हम इसका नेक्स्ट डायग्राम जो है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड डायग्राम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से आकृति होगी इसकी। एक जगह अगर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के अभिलंबवत ऊपर की तरफ है, तो दूसरी तरफ चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ होगी, और ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिएगा, ये जो डॉट सिंबल है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के अभिलंबवत ऊपर की तरफ, और ये क्रॉस सिंबल है कागज तल के अभिलंबवत नीचे की तरफ। तो दोनों ही जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा, और कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सर्वत्र चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, और इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाए जाएंगे। तो हम इसका किसी खंड लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का अंदर का हिस्सा, तो ये मान लेते हैं कि ये पी क्यू आर एस,
तो ये सब पोर्शन जो है ये बाहर के लिए क्यू आर आर एस एस पी, सिर्फ पी क्यू जो है लंबाई, इतनी लंबाई के लिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहीं पर होगा, बाकी सब जगह शून्य होगा क्योंकि बाकी सब जगह ये हवा में है। सिर्फ पी क्यू सतह जो है एल लंबाई का पोर्शन वही इस परिनालिका की अक्ष में सतह में लाई कर रहा है, उपस्थित है। ओके, तो देखिएगा ये सारे इसके अनुप्रस्थ काट थे। अब हम इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो माना परिनालिका के किसी लंबाई के खंड एल जिस पर एन फेरे हैं, ठीक है ना, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल एंड बी डॉट डी एल, एक है पी क्षेत्र के लिए, ये पी क्यू के लिए, ठीक है ना, और दूसरा है क्यू आर के लिए, तीसरा है एस आर के लिए, आर एस के लिए, और ये है एस पी के लिए। ये सभी का योग जो है इसके इक्वल होगा म्यू नॉट आई, और मान लिया फेरों की संख्या एन। तो देखिएगा ये सब चुंबकीय क्षेत्र जीरो होंगे क्योंकि ये सब चुंबकीय ये परिनालिका की सतह पर नहीं उपस्थित है, ये वायु या निर्वात में लाई कर रहे हैं, इसलिए वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, सिर्फ इस पोर्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा पी क्यू। dl equals to mu not I m, और ये लंबाई कितनी थी l equals to mu not I m, तो b equals to mu not I n upon l, और n upon l को आप ये भी लिख सकते हैं small m, यानी mu not I into n, फेरों की संख्या प्रति मीटर लंबाई पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका को हुआ जो सर्वत्र चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष में सभी जगह समान होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सर्वत्र सभी जगह एक समान होगा। तो ध्यान रखिएगा बी डॉट डी एल पी क्यू क्षेत्र में ये इतना पोर्शन था, ये क्यू आर पर जीरो, एस आर पर जीरो, एस पी पर जीरो, तो सिर्फ इतना पोर्शन होगा, हमने सभी दर्शा दिए हैं। ये किसके इक्वल होता है एम्पियर के परिपथ नियम से, म्यू नॉट आई, और जितने फेरे हैं उससे गुणा कर दिया क्योंकि हमने ये माना था कि परिनालिका का इतना कोई पोर्शन हमने लिया है जिसकी लंबाई कितनी थी एल, और सिर्फ इसका ये पोर्शन जो था इसकी अक्ष में लाई कर रहा है, उपस्थित है, बाकी सारे पोर्शन वायु या निर्वात में लाई कर रहे हैं, इसलिए इन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। ठीक है, तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई एन, ये dl है l लंबाई, तो mu not I n, और l इधर आ जाएगा, n upon l को हम small l लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेरों की संख्या प्रति मीटर लंबाई पर, जिसे हम small n से डिनोट करते हैं। तो b equals to mu not I n, ये आ जाएगा परिनालिका की अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र जो सर्वत्र समान रहता है।